हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 4 इतोई का समीकरण कर रहे हैं हम, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर, एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें देखना है, यहाँ पर कहते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे, कहते हैं निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। क्या हो? दो बराबर मूल हो। इसका मतलब ये हुआ, दो बराबर मूल होने का मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जब निकलेगा तो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। ये इसका कंसेप्ट है, राइट। यानी जब समीकरण का दो बराबर मूल होता है तो यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी मेरा ये जो पिछला वीडियो उसका बेसिक फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा है 4.4 के लिए, तो आपसे जरूर देख ले ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो लिखा है मैंने वो किस तरीके से लिखा, राइट। तो उस पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। बाकी आप देखते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसके दो पार्ट देखो। क्वेश्चन सेकंड में अगर दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। अब पार्ट वन को हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि डी निकालेंगे। डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, राइट। और इसको आप देखो, ये जो है ना, ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, ये डी के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे तो आप रख दोगे जीरो, क्योंकि समीकरण ये दो बराबर हो तो डी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे बी की वैल्यू आप रख सकते हो, देखो माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4a की वैल्यू की आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास 3 है, राइट। तो ये हो जाएगा 36। और देखो 4 × 2 = 8 क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। एक मिनट, इसमें k की k का मान निकालना था, एक मिनट, यहीं पर k होगा, सॉरी 2x2, यहाँ पर kx है, क्या है, kx, ओके। यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे के एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, के का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का के का स्क्वायर। और ये हो जाएगा देखो 4 × 2 = 8 क्या हो जाएगा, 24। अब के स्क्वायर को आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या माइनस का 24 बच गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो के आपके पास अगर यहाँ के लिए छूटेगा तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा और के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 × 6 = 24, या आपसे बोल सकते 4 × 6 = 24, है ना। देखो 4 × 6 = 24, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर रह जाएगा रूट 6, और आप इसे प्लस माइनस के रूप में दिखा सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√6। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो वर्गमूल से कोई भी चीज़ बाहर निकल के आता है तो प्लस माइनस का होता है, इसलिए प्लस माइनस में 2√6, है ना। इसके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इसके अंदर, इसलिए ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से के का मान निकल के आया पार्ट वन का। अब यहाँ पे पार्ट टू की तरफ हम मूव करते हैं, तो पार्ट टू क्या कहता है, पहले आप क्या कर सकते हो, जो ये समीकरण है आपके पास के, है ना, इसको आप थोड़ा समीकरण को ठीक कर सकते हो। ठीक कैसे कर सकते हैं बेटा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, के एक्स को एक्स से गुना किया तो के एक्स स्क्वायर आ गया, इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, k2x हो जाएगा, और प्लस में 6 = 0, ठीक है बेटा। अब आपके पास ये, अब आपको क्या करना है, डी निकालना है ना, डी निकालना है आपको। डी क्या होता है आपके पास, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के दो बराबर मूल है तो डी की वैल्यू क्या, जीरो हो जाएगा। बी के आपके पास 2k, यानी k2 या 2k ना, 2k का माइनस में 2k का, माइनस में 2k का स्क्वेयर 4, इनके बीच में कोई निशान है, गुणा के निशान 4a, a के आपके पास k और c के आपके पास 6, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 4k का स्क्वेयर और 6 × 24k हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर कि 4k का स्क्वायर माइनस में 24k ना, ये जो जीरो है आपका इधर भी दिखा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4k आप कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया k माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, k इक्वल टू क्या 0/4 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो आ गई, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर एक दूसरा क्या निकाल सकते हो, k माइनस में 6 = 0 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो k का आंसर आपके पास, यहाँ पे जो k का आंसर निकल के आ रहा है, इस तरीके से 0 और 6 दोनों निकल के आ रहे हैं, दोनों आंसर क्या आपके पास, राइट है, ठीक है ना। तो k का मान यहाँ पे 0 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया, अगर समझ में आया तो क्या करना है, यस, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है और इस चैनल के साथ बने रहना आपको, क्योंकि यहाँ पे हम सीखने वाले हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी का पूरा 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 फुल यानी एक एक सवाल, और वो भी इजी कंसेप्ट में, ठीक है। तो अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली ना, तो मैथ में बनेंगे बिल्कुल एक्सपर्ट। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।